हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग समूह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी अभी साउथ में, मतलब दक्षिण भारत में, काफ़ी सारी हलचल मच गई है, क्योंकि तेलुगु न्यूज चैनल जो थी उसके एंकर राधिका रेड्डी, उसने खुदकुशी कर लिया। 1 अप्रैल 2018 को उसने खुदकुशी किया, 5वीं मंजिल से वो कूद गई। उसने चिट्ठी में लिखा है कि माय ब्रेन इज़ माय एनिमी, मतलब मेरा जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है, तो वही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। मानवीय ब्रेन जो है, मस्तिष्क, भेजा जिसको बोल सकते हैं हम, और मन, इनके झगड़े में उसके ब्रेन ने विजय प्राप्त कर ली। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारी इंस्टिंक्ट जो है, इंस्टिंक्ट वो रहती है कि नहीं, हमने जीवन जीना चाहिए। मतलब हर एक को जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है, मरने की किसकी इच्छा होती नहीं है। फिर जब मरने की कोई किसी की इच्छा नहीं है, फिर आदमी खुदकुशी क्यों कर लेता है? तो क्या प्रॉब्लम है? उसने वो जो पर्ची लिखी है, वो पर्ची में उसने लिखा कि भाई माय ब्रेन इज माय एनिमी। मतलब उनको ऐसा लगता भी है, जो भी खुदकुशी कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी जीना जो है वो ज़्यादा दर्द भरा है, अभी जीना जो है वो ज़्यादा दर्द दे रहा है, इट इज़ मोर पेनफुल। तो इससे अच्छा मैं मर गया या मर गई तो अच्छा है, यहाँ से छुटकारा पाएंगे। मतलब जीना जो है वो भी तकलीफ देह हो गया है, इससे अच्छा मर गए तो अच्छा है, और इसलिए वो खुदकुशी कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल है जीवन, जहाँ पेन है वो काम नहीं करेंगे, जहाँ प्लेजर है वो करेंगे। तो नाउ इट इज़ लेस पेनफुल टू डाई, कम दर्द भरा है अभी मर जाना। ये राधिका रेड्डी थी, वो उसका तलाक हो चुका था, सिंगल पेरेंट थी, उसकी जो लड़की है उसको ऑटिज़म है, और उसने कभी ऐसा बाहर बताया नहीं कि वो निराश और हताश है, और उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं और वो खुदकुशी कर लेते हैं, बाहर मालूम ही नहीं पड़ता। एक्चुअली आत्महत्या करना है, खुदकुशी करना है, उसके लिए बहुत साहस लगता है। वो कहाँ से आता, कहाँ से? वो आता इसलिए है कि भाई जीना भी मुश्किल हो गया, मतलब वो बहुत तकलीफ दे, तभी मर जाना अच्छा है। जो हमारे देश के आंकड़े हैं 2015 के, उसके मुताबिक हमारे देश में 1,33,623 लोगों ने खुदकुशी कर ली है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार 95,288 उसमें के पुरुष है, और 42,088 महिला है, 42,088 लेडीज़ है। उसमें से ये देखा गया कि न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस जो है, मतलब जो बीमारी है मनोविकार, वो 42% लेडीज़ में दिखाई गई, और 29% पुरुष में मानसिक बीमारी दिखाई गई, उनको मानसिक बीमारी थी। देखो, जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मानसिक ही है, हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक बीमारी है, उसकी वजह से डिप्रेशन आया हुआ है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है एज ए साइकियाट्रिस्ट कि भाई उसको डिप्रेशन जो है, मतलब निराश और हताश जो है, उसमें और कुछ उसके साथ साथ बीमारी है क्या? एक तो क्या होता है, निराशा के लक्षण जो है वो है कि दुखी रहना या उदास रहना, खुद को दोष देना, बार बार रोना आना, बिना कुछ वजह का रोना आना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना, या दिन भर अच्छा रहना, शाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना या ज़्यादा खाना खाना, कभी किसका वजन कम हो जाता है या ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, कोई काम में मज़ा नहीं आता, खुशी नहीं लगती उसको कोई काम, घूमना फिरना उसका कम हो जाता है, हलचल कम हो जाती है, बहुत थकान आ जाती है, थक जाता है आदमी, कोई काम में मन नहीं लगता, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, और खुदकुशी के विचार बार बार आते रहते हैं बिना कुछ वजह के। और फिर इसमें यदि कुछ ज़्यादा है, मतलब कुछ कारण है, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब ऐसा है कि बिना कारण का डिप्रेशन आता है, जिसमें केमिकल लोचा होता है, और फिर डिप्रेशन कोई कारण से आ गया, जो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस है, या
मतलब माने जाने हस्ती है, स्टूडेंट्स है 10th के या 12th के, मतलब ऐसे जो लोग हैं वो खुदकुशी एकदम फटाक से कर लेते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण में ये देखना है कि वो सिर्फ डिप्रेशन से है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में मानसिक बीमारी है या फिर कोई शारीरिक बीमारी उसकी वजह से वो आया हुआ है। हो सकता है कि थायराइड की बीमारी है जिसमें डिप्रेशन आता है, भेजे का ट्यूमर है या विटामिन डिफिशेंसी है उसमें हो सकता है। तुमको ये देखना पड़ता है कि भाई कोई और बीमारी है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन आया हुआ है, कोई बीमारी नहीं है और तभी भी डिप्रेशन आया हुआ है। एडिक्शंस, लत जो लगता है, जो लोगों को लत है उनको डिप्रेशन आता है, या बहुत पुरानी बीमारी है उससे डिप्रेशन आ सकता है। तुमको ये देखना है कि भाई किसको डिप्रेशन आने के लिए, मतलब सिर्फ डिप्रेशन ही है, उदासीनता है कि कोई शारीरिक कारण से डिप्रेशन आया हुआ है। इसलिए अभी हमारा एक सिटीज़न करके, एक मतलब नागरिक करके हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे आसपास यदि ऐसे कुछ लोग हैं तो वो खुद यदि जाते नहीं है डॉक्टर के पास में, तो उनको उनकी सलाह देना और उनको डॉक्टर की तरफ लेके जाना। क्योंकि ये लोगों को लगता है कि नहीं अभी कुछ बचा ही नहीं है मेरे जीवन में, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। इसके उपाय क्या है कि एक तो दवाई लेना, मेडिसिन लेना, फिर ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है तो रेगुलर एक्सरसाइज, कसरत करते रेगुलरली, सकारात्मक पढ़ाई करना, मतलब मोटिवेशनल बुक्स है, मोटिवेशनल वीडियोज है वो देखना, रेगुलर डाइट, खाना बराबर खाना, कोई एडिक्शन नहीं करना, शराब वगैरह कुछ लेना नहीं, लोगों से मिलना जुलना, अकेले रहने का नहीं है, और साइकोथेरेपी कर लेना, काउंसिलिंग कर लेना, साइकेट्रिस्ट को मिलके काउंसिलिंग करके जो विचार जो दिमाग में आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, CBT है। मैं खुद हिप्नोटिज्म करता हूँ, हिप्नोथेरेपी करता हूँ, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज देता हूँ, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जब हम काउंसिलिंग करते हैं तो उससे देखने का नज़रिया जो है वो अलग हो जाता है, जीवन की तरफ देखने का नज़रिया। तो साइकोथेरेपी, मानसोपचार, उसके साथ साथ दवाई यदि करते हैं, तो फिर से ये जो नौबत आई और राधिका रेड्डी के जो डेथ से जो नया विचार एकदम चालू हो गया कि भाई अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो गया, तो इसके लिए हम सतर्क यदि रहते हैं तो काफ़ी सारे जान हम बचा पाएंगे। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे कि 10-15% लोगों को डिप्रेशन कभी ना कभी ज़िंदगी में आता है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे आपके आजू बाजू में, 10-15% लोग हैं जिनको कभी ना कभी ऊपर नीचे वो दिमाग का इमोशंस हो जाता है, तो उनको डिटेक्ट करो, उनको सलाह दो, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, उनको मतलब स्पेशलिस्ट को मिलने के लिए सलाह दो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वो बेल का जो चिन्ह आता है उसके ऊपर आप प्रेस करते हो तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको, मतलब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आप जरूर आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।